अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियो। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं एक पौधा लगाने वाला हूँ हैंगिंग पॉट के अंदर, जिसका नाम है वंडरिंग जियो। वंडरिंग जियो क्या चीज़ है, इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है, वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो देखने में मिलेगी। वंडरिंग जियो की मैंने कटिंग्स लगाई थी, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी कि हमने कटिंग को किस तरह लगाना है, तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कटिंग वाली वीडियो देखने में मिलेगी। उसके बाद में आप ये वीडियो देखिएगा तो आपको सब इजीली पता चल जाएगा। तो ये कटिंग कामयाबी से ग्रोथ कर रही है, इनकी रूटिंग भी अच्छे तरीके से शुरू हो चुकी है। तो अब मैं चाहता हूँ इनको हैंगिंग पॉट के अंदर ग्रो करूँ। और हैंगिंग पॉट के अंदर हम ऐसी सॉइल यूज़ करते हैं जो बहुत ही लाइट वेट हो। इसमें मैं कोकोपीट और परलाइट का मिक्सर यूज कर रहा हूँ, 50-50 का कॉम्बिनेशन। कोकोपीट का तो आपको पता होगा कि ये क्या चीज़ होती है और कैसे बनती है, और परलाइट का अगर आपको नहीं मालूम तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि परलाइट क्या चीज़ है। अब हम ये वाली कटिंग को लेंगे और अपने ही फिंगर से होल करेंगे और प्लांट को, मतलब कटिंग को लगा देंगे। वंडरिंग जियो बहुत ही आसानी से ग्रोथ करने वाला पौधा है, गर्मी हो या सर्दी हो इसकी ग्रोथ नहीं थमती। इसको किसी खाद की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि मैंने कोई भी खाद अभी यूज़ नहीं की इस मिट्टी में, मतलब इस सॉइल में। हैंगिंग पॉट के अंदर पौधे लगे हों, मतलब वंडरिंग जियो लगी हो, ये एक बेल बन जाती है जो गमले के साइडों पर लटकना शुरू हो जाती है। और जब इनकी ब्रांचेस लटक रही हों तो यकीन मानिए बहुत खूबसूरत लगती है देखने में। बस इसीलिए मैं हैंगिंग पॉट बना रहा हूँ। अब हम इसको थोड़ा सा पानी दे देंगे, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं देना। कोकोपीट के अंदर जब पानी चला जाता है और साथ में परलाइट हो, तो पानी काफ़ी देर तक इनके अंदर होल्ड रहता है, इसलिए ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम हैंगिंग पॉट बना रहे हैं तो उसको लटकाने के लिए कोई चीज़ भी तो चाहिए। उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ चेन, जिसको संगली भी बोलते हैं। और हमें फ़िश लाइन चाहिए, ये वो फ़िश लाइन है जिससे मछली भी पकड़ी जाती है। ये दोनों चीज़ें आपको आसानी से किसी भी हार्डवेयर शॉप से मिल जाती हैं। अगर उस दुकान वाले को फ़िश लाइन का पता ना हो तो आप इसको मछली की तार भी बोल सकते हैं। इसमें काफ़ी मोटी तारें भी आती हैं और काफ़ी ब्रीक तारें भी आती हैं, लेकिन ये नंबर आई थिंक 8 नंबर था, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे ठीक से याद नहीं है। बस इतना थिकनेस आपने लेना है कि वो इस गमले का वेट बर्दाश्त कर सके, और इस गमले का वेट आई थिंक 100 ग्राम होगा। तो कोई भी घटिया से घटिया भी आप तार यूज़ कर लेते हैं फ़िश लाइन की, तो वो इसका भार बर्दाश्त कर सकती है, क्योंकि ये बहुत मज़बूत होती है। तो हम फ़िश लाइन लेंगे और इस गमले के किनारों पर बांध देंगे, और अब इस रस्सी के साथ हम बांधेंगे चेन को। चेन इस तरह बंद होती है आगे से, तो इसका मुंह खोलना पड़ेगा, मतलब एक किनारे से हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। अगर आपके पास चेन ना हो तो आप फ़िश लाइन से ही हैंगिंग पॉट बना सकते हैं, नो इशू, मतलब उसको लटका सकते हैं। मैं ज़रा ऐसा कर रहा हूँ कि इससे काफ़ी खूबसूरत दिखेगा। तो ये रहा हमारा वो किनारा जो जाएगा इस तार के अंदर, और इसको दोबारा से हम बंद कर देंगे जिस तरह पहले था। ओके, हमारा एक हैंगर तैयार हो चुका है और अब दो बाकी हैं, दोनों को मैं लगा लेता हूं, देन शेयर करता हूं। हमारा हैंगिंग पॉट बिल्कुल ही रेडी हो चुका है, और ऊपर से चेन भी काफ़ी खूबसूरत दिख रही है। इसके ऊपर जो एस दिख रहा है आपको, ये एक वायर ली मैंने एलुमिनियम की, वो भी हार्डवेयर शॉप से आपको इजीली मिल जाती है। इसको मैंने एस शेप दे दिया ताकि इसको हैंग कर सकूँ चेन को। तो अब ये लटकाने के बिल्कुल काबिल हो चुका है। तो ये रहा हमारा हैंगिंग पॉट जिसको मैंने लटका दिया है, लेकिन अभी ये वीडियो कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि अभी तो हमने इसको बड़ा भी करना है। अभी तो सिर्फ गमला ही दिख रहा होगा, हम चाहते हैं इसकी ब्रांचेस बड़ी हो जाएं और ये लटकना शुरू हो जाएं, तब ये हैंगिंग पॉट ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा देखने में। तो चलिए फिर इसको बड़ा करते हैं, आप लोग मेरे साथ रहिए। 45 दिन बाद वंडरिंग जियो की ग्रोथ अच्छी हो चुकी है, और अब इसने बड़ा होना भी शुरू कर दिया है। बहुत जल्द ये और भी बड़ी हो जाएगी और इसकी ब्रांचेज पॉट के साइड पर लटकना शुरू हो जाएंगी, जो देखने को काफ़ी प्यारी लगेंगी, और तब वीडियो कंप्लीट होगी हमारी। इसको मैंने ओपन एयर में रखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए धूप आती है। अगर इसको परमानेंट शेडी एरिया में ही रखा जाए तो इसकी ग्रोथ बहुत ही कमाल की चलती है और अच्छे से चलती रहती है। अगर धूप में रखेंगे तो इसके पत्तों का कलर फेड पड़ जाएगा, इसलिए इसको शेडी एरिया में रखें तो अच्छी ग्रोथ रहेगी। 3 महीने 4 दिन बाद अब हमारी वंडरिंग जियो की बेल भी लंबी हो चुकी है और साइडों पर लटकना शुरू हो गई है गमले के, देखने पर काफ़ी खूबसूरत भी अब लग रही है। अगर ये और भी लंबी हो जाए और चारों साइडों पर इसकी पत्तियाँ नीचे गिर रही हों तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, लेकिन आजकल बहार के दिन हैं
मार्च की आज 12 तारीख हो चुकी है और चिड़ियां अपना घोंसला बनाने के लिए और खाना इकट्ठा करने के लिए इसके पत्ते भी खा जाती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है। हमारा काम था इसको बड़ा करना और साइडों पर लटकाना, जो कि ऑलरेडी लटक चुकी हैं अब। और अगर चाहें अब दोबारा से हम इनकी कटिंग काट कर एज अ कटिंग दोबारा से ग्रो कर सकते हैं। हमारे पास और कितने सारे पौधे तैयार हो सकते हैं। ये तो था वंडरिंग जीव की किस तरह रूटिंग स्टार्ट करनी है, किस तरह हमने हैंगिंग पॉट ये वाला लटकाया है और किस तरह इसको बड़ा किया। सिंपल, इसको हमने पानी ही देना है। इसको कोई भी खाद ना दे तो भी इसकी ग्रोथ होती रहती है। अब गर्मी के दिन शुरू हो चुके हैं और इसको शेडी एरिया में रखने की ज़रूरत पड़ेगी। गर्मी के दिनों में बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ बढ़ती है। और कितनी सारी कटिंग्स आप लगा सकते हैं। मैंने और भी काफ़ी कटिंग्स लगाई थी और काफ़ी हद तक मैंने सेल भी कर दी हैं। और जो इसका मदर प्लांट था वो ये रहा। यहाँ से हमने कटिंग्स काटी थी और उसमें लगाई थी। उसके बाद इसमें से कितनी सारी मैंने कटिंग्स काटी और ये देख सकते हैं, ये भी लगाई और ये सारी कटिंग्स मैंने बाद में तैयार की और बहुत सारी कटिंग मैंने सेल भी कर दी हैं। तो आपने देखा कितनी आसानी से ये ग्रोथ कर लेती है और देखने पर भी काफ़ी खूबसूरत लगती है। और एक ये रही, ये भी अब बड़ी हो चुकी है और कुछ हैंगिंग पॉट के अंदर भी मैंने लगाई हुई हैं, जो कि सेल के लिए रेडी हो जाएंगी कुछ दिनों तक। ये देख सकते हैं आप, और ये भी है। तो आपने देखा एक पौधे से कितने सारे पौधे हमने बना डाले। छोटी छोटी कटिंग काटते जाइए और लगाते जाइए और फ्यूचर में वो बड़े प्लांट बन जाएंगे। होपफुली आपको अच्छे से समझ लग गई होगी और आपको भी काफ़ी जोश आया होगा देखकर। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।